सो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बॉस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दो बातें बताने वाला हूँ। पहली, यदि आप इंटरनेट चलाते हो तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा कमेंट आते हैं मेरे पास कि आप जो अपने मोबाइल के अंदर आइकन पैक यूज करते हो इसका क्या नाम है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इसका क्या नाम है और कहाँ से इसको डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला, यदि आप इंटरनेट चलाते हो तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको हमेशा क्रोम ब्राउज़र ही यूज करना चाहिए अपने मोबाइल के अंदर, और फालतू के ब्राउज़र नहीं। ठीक है, और क्रोम ब्राउज़र के भी अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, आप थोड़ा ध्यान से समझना जो मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों जैसे कि आपने गूगल में सर्च किया पेटीएम, ओके paytm.com, तो मैंने चले यहाँ पर सर्च कर दिया paytm.com। तो जैसे कि ये एक ऐसी वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, है ना, रिचार्ज कर सकते हो, बैंक का जो पैसा है उसको दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो, और तरह तरह के काम कर सकते हो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर। यानी कि ये एक ट्रस्टेड है, इसमें आप अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। तो इसका यहाँ से पता चल सकता है, जैसे कि ऊपर तीन लाइन दे रखी है, इस पर टच करेंगे और यहाँ पर एक ये निशान दे रखा है आपको, तो इस पर जो है आप टच कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर ये जो है आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो आपको यहाँ पर लिख कर दे देता है कि ये वेबसाइट सेफ है, आप इसमें अपने प्राइवेट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल सकते हो। लेकिन दोस्तों ये तो एक ट्रस्टेड वेबसाइट होगी, अब मैं आपको एक जो ज़रूरी बात है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप तरह तरह की ट्रिक लगाते हो अपने मोबाइल के अंदर, या फिर आप देखते भी हो कि कुछ वेबसाइट होती है जिसका नाम होता है फ्री रिचार्ज, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको डालकर दिखा देता हूँ फ्री रिचार्ज, ओके। तो यहाँ पर हमने फ्री रिचार्ज के लिए वेबसाइट का नाम डाला, या फिर आपको अपने किसी भी नंबर पर रिचार्ज करना है, आपको कोई वेबसाइट नहीं मिल रही और आपने गलती से गलत वेबसाइट ओपन कर ली, ये केस भी हो सकता है, दोनों केस में मैं आपको बताऊँगा ये। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हो तरह तरह की वेबसाइट आ रही है जिनसे आप फ्री के रिचार्ज कर सकते हो, या फिर किसी अपने किसी भी नंबर पर रिचार्ज कर सकते हो। तो कुछ लोग क्या गलती करते हैं, वो इन वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। अभी देख के जाना, एक आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट है, अब यहाँ पर सबसे नीचे एक वेबसाइट है जिसका नाम है rechargeoffer.in, इसको ओपन कर लेंगे हम। तो जैसे इस वेबसाइट को ओपन किया, आप ऊपर की साइड अपने क्रोम ब्राउजर में तीन लाइन पर टच कीजिए और यहाँ से जो ये निशान है इस पर जो है टच करके इसकी इन्फॉर्मेशन लीजिए। तो यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ने साफ साफ बता दिया है हमको, गूगल ने साफ साफ बता दिया है कि ये वेबसाइट सेफ नहीं है, आप इसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मत डालिए। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे कहने का दोस्तों मतलब ये है, अब थोड़ा समझना इस बात को। ठीक है, जैसे कि ये कुछ फर्जी वेबसाइट होती है आपको लालच दे देगी कि आपको हम फ्री रिचार्ज दे रहे हैं 50 रुपये का, बस आपको क्या करना है, 1 रुपये का ट्रांजैक्शन करना है, 1 रुपये में आपको 50 रुपये का फ्री रिचार्ज दिया जा रहा है। और वहाँ पर आप लोग चेक भी नहीं करते हो कि वो वेबसाइट आपका डाटा हैक करने पे लगी हुई है, आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन हैक करने पे लगी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, यदि आप इंटरनेट चलाते हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से पहले, किसी भी वेबसाइट पर जिसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो, जो फेमस वेबसाइट है जैसे पेटीएम होगी और तरह तरह की वेबसाइट होगी जो कंपनी की खुद की वेबसाइट है, उनको छोड़कर, तो यहाँ पर आकर पहले आपको चेक करना है ये वेबसाइट सिक्योर होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा दिखाई दे जाएगा कि वेबसाइट जो है बेकार है या वेबसाइट ये सही है, तो यहाँ पर आपको चेक करना है हमेशा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं कि जो मैं ये आइकन पैक यूज करता हूँ इसका क्या नाम है। तो दोस्तों इसके लिए आप चले जाएंगे प्ले स्टोर में, और यहाँ पर आपको एक फ्री आइकन पैक ग्राफिक्स के नाम से एक आइकन पैक खोज लेना है, या फिर ऊपर देखिए एरो का निशान आ चुका है, लिंक ये मिल जाएगा आपको, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, जिसका नाम है फ्री आइकन पैक ग्राफिक्स। ध्यान रखना है इसके लिए आपके मोबाइल में जो है लॉन्चर होना चाहिए, और ये कुछ ही लॉन्चर को सपोर्ट करता है, जैसे नोवा एडीवी एक्शन अपैक्स एटम, या फिर आप इसके अंदर यहाँ पर पढ़ सकते हो जो भी लॉन्चर आप यूज करते हो। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो फिर आइकन पैक को। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो मैंने बताया इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे और जो है अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिक्योर रखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।